स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। अब हम उत्तर प्रदेश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हमारे नए टॉपिक वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। इससे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मोस्टली क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो ईयर पर होते हैं, उनसे उसमें डायरेक्ट आपसे सन पूछ ली जाती हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए क्वेश्चंस पर ही रहेगा जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहले प्रथम वन नीति जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहली जो वन नीति आई थी वो कब आई थी, तो वो आई थी 1952 में। दूसरी वन नीति आई थी 1988 में, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि टोटल जो वन क्षेत्र है, जो टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके 33% पर वृक्षों का होना अनिवार्य है, यानी वनावरण होना अनिवार्य है। ये जो डिसाइड किया गया था, ये जो निर्धारित किया गया था, ये करा गया था द्वितीय वन नीति जो कि 1988 में आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 33% सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। राष्ट्रीय वन नीति जो कि उसके 10 साल बाद आई थी 1998 में, और उसी साल यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय वन नीति लागू हो गई थी, यानी कि 1998 में। भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000 जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में 2001 में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। वो हुई थी 25 नवंबर 1974 1974 को। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1952 में से ये स्टार्ट हुआ है, और इसकी जो थीम है वो है वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, और रोटी का अर्थ जीवन। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वृक्ष जो वन महोत्सव हुआ था उसकी थीम क्या है, वृक्ष का अर्थ जल, जल का अर्थ रोटी, रोटी का अर्थ जीवन। सामाजिक वानिकी जिसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, और इसकी काफ़ी सारी शाखाएँ भी हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री है, शहरी वानिकी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक वानिकी जो लागू हुई थी, वो जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1976 में, लेकिन इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले किया था बेस्टो बॉय ने, ये याद रखना है हमें, बेस्टो बॉय ने किया था। और वो कहाँ किया था, जब नवी जो 9th राष्ट्रमंडल वानिकी महोत्सव हुआ था, जो आयोजन हुआ था, जो कि 1968 में हुआ था, उस समय पर बेस्टो बॉय ने सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग बेस्टो बॉय ने किया था। संयुक्त वन प्रबंधन ये भी एक कार्यक्रम था, ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, 1992 में। वन अनुसंधान शाला, ये भी पूछा जाता है कि वन अनुसंधान शाला कहाँ पर है, तो वो देहरादून में है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना ये जो है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, मतलब उन्होंने उसको सहयोग दिया है, और उनके सहयोग से ये 19 मार्च 1998 को ये शुरू हुई थी। कौन सा, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, जो कि किसके सहयोग से, आपसे ये पूछा जा सकता है किसके सहयोग से ये स्टार्ट हुई है, तो ये हुई है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ऐसे ही एक परियोजना और है, इसमें मेनली जो फोकस किया गया था उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना में, वो इको डेवलपमेंट पर किया गया था, इको डेवलपमेंट पर, कि टोटली जो हमें विकास करना है वो वृक्षों के द्वारा ही करना है। सहभागी वन प्रबंधन है जो ये योजना थी, ये जापान के सहयोग से स्टार्ट की गई थी, तो जापान और वर्ल्ड बैंक दोनों ने ही हमें जो वृक्षावरण बढ़ाने में सहायता दी है। वर्ल्ड बैंक ने दी है उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना में, और जापान ने दी है सहभागी वन प्रबंधन में, जो कि शुरू हुई थी 2010 में, और सोनभद्र के बेलहत्थी गाँव को पहला ग्राम वन इस योजना के तहत डिक्लेयर किया गया था। कौन सा गांव है, सोनभद्र का है, बेलहत्थी गांव पहला ग्राम वन, कौन सा, सहभागी वन प्रबंधन योजना के अंतर्गत, जिसको जापान ने सहयोग किया था। एक ऑपरेशन ग्रीन योजना है, ऑपरेशन ग्रीन योजना में मतलब चाहे वो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी बिल्डिंग है, चाहे वो निजी हो, सरकारी हो, या कोई भी संस्थान है, विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पर वृक्षों का वृक्षारोपण करना ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत ये उसका उद्देश्य था। और इस योजना को जो शुरू किया गया है वो 1 जुलाई 2001 में, हालांकि इसका सेकंड फेज जो है 2011वीं पंचवर्षीय योजना में, आपका 11th जो 5-year प्लान है, तो
तो उसमें जो है इसका सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया है 2007-08 में। लेकिन जो ऑपरेशन ग्रीन योजना है वो मेनली जो उसका जो पहला फेज था वो स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 2001 में। तो इसमें मेनली क्या था कि वृक्षारोपण को बढ़ाना सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके थ्रू। वृक्षारोपण विस्तार योजना ये 48 जो ज़िले हैं यूपी के वहाँ पर स्टार्ट हुई वृक्षारोपण विस्तार योजना। इसके अलावा एक और कीर्तिमान हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया 11 जुलाई 2016 को, जब उन्होंने 5 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए। ठीक है, तो ये एक नया कीर्तिमान था जो यूपी गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने बनाया 11 जुलाई 2016 को। इसके अतिरिक्त एक और योजना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, वो है ग्रीन यूपी क्लीन यूपी परियोजना। तो ये कब स्टार्ट हुई थी इसका वर्ष पूछ सकते हैं, तो वो हुई थी 7 नवंबर 2015 को। तो ये कुछ डेट्स हैं जो हमें वन से रिलेटेड याद रखनी है और ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं डायरेक्टली कि वन नीति, ग्रीन यूपी क्लीन यूपी, वन महोत्सव, सामाजिक वानिकी, तो ये डेट्स हमें याद रखनी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2017, अभी दूसरी रिपोर्ट जो अब आएगी वो आनी बाकी है, लेकिन फ़िलहाल की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट वो है 2017 की रिपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्वेश्चंस ये आते हैं कि टोटल जो वनावरण है यानी कुल वनावरण जो भारतीय स्थिति वन रिपोर्ट के अनुसार वो कितना है, तो टोटल वनावरण जो है वो है 14,679 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% है। तो कुल वनावरण कितना है, 14,679 वर्ग किलोमीटर 6.09%। अगर हम वृक्षावरण को भी मिला दें, वृक्षावरण क्षेत्र को भी, क्योंकि इस वाले उसमें जो वनावरण है इसमें वृक्ष की जो कैनोपी है उसको शामिल नहीं किया गया है, अगर हम वृक्ष के आवरण को भी मिला दें तो क्षेत्र बढ़ जाता है, तो उसका जो परसेंटेज हो जाता है वो हो जाता है 9.18%। तो इसमें हमें एग्जाम्स में ये याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसमें ये पूछा गया है कि कुल वनावरण कितना है उसका परसेंटेज कितना है, या फिर वनावरण और वृक्षावरण दोनों का कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज कितना है। तो अगर दोनों का पूछा जाता है तो 9.18 और केवल वनावरण पूछा जाता है तो 6.09%। इसके अतिरिक्त इसमें जो कैटेगरी की गई हैं वो है अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे जो वृक्ष जो वन है उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है मध्यम सघन वन का, जो कि है 1.69%, जबकि अति सघन वन जो है वो हमारे 1.09% है और जो खुले वन है वो केवल 3.32% है। तो इनकी डायरेक्ट आपका परसेंटेज पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है हमें कि मध्यम सघन वन जो है उसका ज़्यादा है, 1.69 है, अति सघन का 1.09 है, खुले वन का इतना है। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि वन क्षेत्र का मैक्सिमम परसेंटेज यानी सर्वाधिक जो प्रतिशत है वन क्षेत्र का वो किन जिलों में है, यूपी के किन जिलों में है, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज भी पूछते हैं और केवल क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछते हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है सोनभद्र में, ये देखिए आप जो राष्ट्रीय जो एक मानक है जो 33% का है उससे भी ज़्यादा है, वो कितना है 36.77% राष्ट्रीय जो मानक है उससे ज़्यादा है जो कि 33% का है। तो वन क्षेत्र परसेंटेज में मैक्सिमम कहाँ पर है, सोनभद्र और चंदौली, हमें दो याद रखने हैं, दो ही। और जो मिनिमम है यानी कि जो न्यूनतम वन क्षेत्र है प्रतिशत में वो है संत रविदास नगर जो कि है केवल 0.30% और मैनपुरी। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो वन क्षेत्र है वो है सोनभद्र और चंदौली और जो न्यूनतम है वो है संत रविदास नगर और मैनपुरी। सर्वाधिक वन क्षेत्र, अब यहाँ पर ये इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में क्वेश्चन में देखते हैं नहीं है कि वो परसेंटेज पूछा है वन क्षेत्र, तो ये ध्यान से पढ़ना है कि वन क्षेत्र है या वन क्षेत्र का परसेंटेज वाइज पूछ रहा है। वन क्षेत्र अगर देखें मैक्सिमम तो सोनभद्र सेम, यहाँ पर आ जाएगा खीरी क्योंकि लखीमपुर खीरी का जो एरिया है वो भी ज़्यादा है, और जो न्यूनतम वन क्षेत्र है वो है संत रविदास नगर सेम
परसेंटेज में भी यही है, और मऊ। तो यहाँ पर वो जो सेकंड सेकंड वाले हैं वो चेंज हुए हैं, वहाँ था चंदौली, यहाँ है खीरी, यहाँ था मैनपुरी, यहाँ है मऊ। इसके अलावा अगर हम वनस्पतियों की बात करें तो यूपी के अंदर तीन प्रकार के वन मेनली पाए जाते हैं, जो कि हैं उष्णकटिबंधीय। हमारी जो जो जलवायु है वो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में है हालांकि, लेकिन जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, तो इनका जो एरिया है जहाँ पर ये लाई करते हैं, तो ये जो यूपी है, यूपी का जो नेपाल से लगा हुआ एरिया है जिसको हम तराई भाबर क्षेत्र जो है, जो ऊपर की रो है, उस लाइन में आपका ये है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चूँकि वो तराई क्षेत्र है तो वहाँ पर नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो मध्य पूर्व का मध्य एरिया है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, और जो पूर्वी एरिया है, पश्चिमी एरिया है यूपी का, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि जो यूपी का जो नीचे का एरिया है, जिसमें आपका ललितपुर, सोनभद्र, महोबा, झांसी ये सब आता है, ये लाइन, ये पूरी जो लाइन है, जो चूँकि वहाँ पर पानी की थोड़ा सा किल्लत है, तो इस वजह से उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये आपको उत्तर प्रदेश की थोड़ा वनस्पति के बारे में आइडिया लग गया कि तराई क्षेत्र में कौन से हैं नम पर्णपाती, जो मध्य है, मध्य क्षेत्र, उसमें है शुष्क पर्णपाती, और जो नीचे वाली जो उसकी बेल्ट है यूपी की, उसमें है उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ। कुछ जो वनोपज होती है, वनों से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, अगर हम उससे रिलेटेड उद्योग की बात करें, कुछ उद्योग हैं जो थोड़े आते हैं जो वन से हमें उपज प्राप्त हुई है, जैसे कि लकड़ी, जो बैंत है, फर्नीचर है, कत्था, माचिस, प्लाईवुड, ये इनका ये पूछा जाता है कहाँ पर मिलते हैं। हालांकि उद्योग में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये वनोपज पर आधारित है तो हम एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो बैंत, फर्नीचर, कत्था, माचिस, प्लाईवुड, ये सब बरेली और नजीबाबाद इसके मेन गढ़ हैं। बरेली और नजीबाबाद में ये मिलते हैं। कागज जो है वनोपज है, कागज सहारनपुर में, बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने। यहाँ पर देखो तीन तरह के चीनी मिट्टी के खिलौने हैं और एक लकड़ी के खिलौने हैं। जो चीनी मिट्टी के खिलौने हैं वो मिर्ज़ापुर, झांसी और सहारनपुर में हैं, जबकि लकड़ी के खिलौने जो हैं वो सोनभद्र और वाराणसी में। तो ये याद रखना है कि चीनी मिट्टी के पूछे हैं या फिर लकड़ी के खिलौने पूछे हैं। खेल का सामान मेरठ में। इस तरह से अगर हम देखें तो वन एवं प्राकृतिक वनस्पति में इतना ही पोषण पूछा जाता है। अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हैं वन्य जीव विहार, अभ्यारण्य, और इससे और थोड़े से और मिसलेनियस क्वेश्चंस। अभी आपको वन क्षेत्र के बारे में बताया गया था, उसमें अति सघन वन, मध्यम वन और खुले वन का परसेंटेज एक्चुअली सही लिखा हुआ था, बट वो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो सबसे ज़्यादा होता है वो खुले वन का है 3.32%, और उसके बाद है मध्यम वन का 1.69% और अति सघन वन का है 1.09%। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, वो बोलने में थोड़ा हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो था इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो जो वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वन्य जीव प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब स्थापित किया गया था, तो 1972 में लागू हुआ था ये। और जो भारत में वन्य जीव संरक्षण, जंतुओं के संरक्षण के लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वन्य जीव और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत में सर्वोच्च संस्था जो है वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है और उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन 1956 में बना था, और वो ये देश का प्रथम था, ये देश का प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन था, ये 1956 में बना था, और सबसे पहले ये बना उत्तर प्रदेश में ही था। इसके अतिरिक्त 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संवैधानिक संशोधन है 1976 में हुआ था, उसके अंतर्गत वन और वन्य प्राणी को संवर्ती सूची में डाला गया था। संवर्ती सूची वही होती है जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, वो ऐसे जो विषय होते हैं वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 1976, ये याद रखिएगा कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था उसके आधार पर वन और वन्य प्राणी दोनों को संवर्ती सूची में डाला गया था।
जो स्वतंत्रता से पहले जो बात करें तो 1935 में जो सबसे पहले जो कदम उठाया गया था वन्य प्राणियों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, वो था मोतीचूर वन्य जीव विहार, जिसको हम राजा जी नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ये स्वतंत्रता से पूर्व बना था 1935 में, ये पहला प्रयास था जो किया गया था प्राणियों के संरक्षण के लिए, वन्य जीव प्राणियों के। इसके अतिरिक्त उसके बाद एक साल बाद 1936 में, जिसको हम एशिया का प्रथम नेशनल पार्क बोलते हैं, वो था हेली नेशनल पार्क। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि जो एशिया का फर्स्ट था वो कौन सा था, वो हेली नेशनल पार्क, जिसको हम अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन 1956, मोतीचूर वन्यजीव विहार 1935, उसके एक साल बाद हेली नेशनल पार्क जो एशिया का प्रथम था। इसके अतिरिक्त हमारा यूपी के अंदर 12 राज्य पक्षी विहार हैं, 11 वन्यजीव विहार हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जो बुक्स हैं, बुक्स में आपको अलग डेटा मिल सकता है, बट ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। तो राज्य पक्षी विहार 12 हैं, एक नेशनल पार्क है, 3 टाइगर रिजर्व हैं और 11 वन्यजीव विहार हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन से हैं, और इसमें ये भी देख लेते हैं कि थोड़ा किस तरह से हम इसको याद रखते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था नवाबगंज। ये पूछा जाता है कि जो प्रथम वन्यजीव, जो प्रथम पक्षी विहार था वो कौन सा है, वो है नवाबगंज। इसका स्थापना ईयर पूछा जाता है, जो कि ये स्थापित हुआ था 1984 में। नवाबगंज, नवाबगंज का है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, नवाब आ रहा है तो मतलब उन्नाव, नाव आ रहा है ना, तो उन्नाव, तो नवाबगंज उन्नाव में हो गया। समसपुर, समसपुर कहाँ है, रायबरेली में। आप इससे आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे राय, इसका स्टार्टिंग का वर्ड राय है, लास्ट का पुर है, तो रायपुर एक वर्ड बन रहा है, या फिर समसपुर का लास्ट में रा आ रहा है, तो ये कहाँ पर है, रायबरेली में, ठीक। उसके अलावा लाख बहोशी, ये आपका कन्नौज में है, ये सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है, ये ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो वो है लाख बहोशी। तो इसमें दो क्वेश्चन, एक तो ये आ गया कि प्रथम कौन सा है पक्षी विहार, वो है नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, और जो सबसे बड़ा है वो है लाख बहोशी जो कि कन्नौज में है। सैंडी पक्षी विहार है, सैंडी लास्ट में ई आ रहा है, तो आप ऐसे लगा सकते हो हरदोई, ई आ रहा है लास्ट में, ऐसे मतलब थोड़ा याद रखने का तरीका आप बना सकते हो, सैंडी हरदोई ई। बखीरा, बखीरा जो है संत कबीर नगर, जैसे बखीरा कबीरा, ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, संत कबीर नगर में है बखीरा कबीरा, संत कबीर नगर। ओखला आपको पता है, ओखला तो नोएडा में है, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, गौतम बुद्ध नगर वहाँ। समन, मन आ रहा है इसमें, तो मतलब मैनपुरी, समन मतलब मैनपुरी, तो ये हैं, ये सात हो गए। सुरहा ताल, सुरहा ताल जैसे बालियां हम लोग पहनते हैं तो वो थोड़ा मतलब आवाज़ करती हैं, तो सुरहा ताल मतलब बलिया में है। इसको जो है ये जय प्रकाश नारायण पार्क भी बोलते हैं इसको, तो ये याद रखिएगा कि जैसे नवाबगंज को अब जो इसका नाम बदल दिया गया है, इसका अब नाम जो है नवाबगंज का, जो पहला पक्षी विहार है उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, 1984 में स्थापित हुआ था। सुरहा ताल को जयप्रकाश नारायण पार्क भी बोलते हैं, बलिया में है। सुर सरोवर आगरा में है। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़, विजय सागर महोबा, और पटना टार है, पटना तो एटा में है। तो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो पक्षी विहार है वो पूछा जाता है, तो लार्जेस्ट लाख बहोशी कन्नौज में है, और जो एटा है, जो पटना है जो एटा में है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट कौन सा है, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि उन्नाव में है। तो ये आपके हो गए राज्य पक्षी विहार। अब हम आगे बढ़ते हैं वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार जैसे कि हमने पहले ही बताया, ये आपके 11 हैं, और इसमें इम्पॉर्टेंट हम बता देंगे, चंद्रप्रभा, चंद्र आ रहा है चंदौली, ठीक है, ये फर्स्ट वन्य जीव विहार है, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ईयर इम्पॉर्टेंट है, 1957 में पहला वन्य जीव विहार, और नवाबगंज जो पक्षी विहार था वो 1984 में। किशनपुर, ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट, ये बहराइच में है। रानीपुर, रानीपुर चित्रकूट में है, जैसे रानियां जो है चित्रकूट में निवास करती हैं, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। महावीर स्वामी ललितपुर में है, महावीर स्वामी जो वन्य जीव विहार है। चंबल जो वन्य जीव विहार है वो कहाँ पर है, आगरा में, या इटावा वो एरिया, वहाँ इटावा एरिया, वो पूरा चंबल वाला है। कैमूर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हस्तिनापुर, मेरठ, सोहागी बरवा, महाराजगंज,
सुहेलवा, श्रावस्ती, पीलीभीत, पीलीभीत में है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है तो 11, बट इम्पॉर्टेंट जो है एक तो चंद्रप्रभा है जो कि पहला वन्य जीव विहार है जो कि चंदौली में है, 1957 में स्थापित हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट है रानीपुर जो कि हमने पहले बताया चित्रकूट में। महावीर स्वामी इम्पॉर्टेंट है, महावीर स्वामी ललितपुर, ये चूँकि स्मॉलेस्ट है, ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी है और सबसे बड़ा जो है वो है हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक है पीलीभीत वन्यजीव विहार, तो पीलीभीत जो है वो पीलीभीत में है। तो ये 3-4-5 इम्पॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में, चंद्रप्रभा, रानीपुर, महावीर स्वामी, हस्तिनापुर, पीलीभीत। तो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको पता लग गया, सबसे छोटा महावीर स्वामी, सबसे बड़ा हस्तिनापुर। इसके अतिरिक्त 3 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व जो है वो है एक दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व, एक है आपका अमनगढ़ और एक है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसका जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बनता है, ये एक्चुअली स्थापित जो किया गया था दुधवा राष्ट्रीय पार्क वो 1968 में किया गया था, लेकिन इसको राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा मिला है वो इसको 1977 में मिला है। तो इसको ये पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला, तो ये 1977 में मिला दुधवा जो टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा जो हमने बताया था 3 टाइगर रिजर्व है और एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क यही है जो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वही नेशनल पार्क भी है। तो यूपी में केवल एक नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क और 3 टाइगर रिजर्व है, 1977 में दुधवा को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये तो हमें पता ही होते हैं, जैसे राजकीय पशु कौन सा है बारहसिंघा, और पक्षी कौन सा है सारस या क्रॉच उसको बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो है यूपी का वो गंगा डॉल्फिन है, गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको हम बोलते हैं, इसको हम सूसू भी बोलते हैं, इसका नेम है सूसू। और इसका जो चिन्ह जो राजकीय चिन्ह है वो तीर और मछली है, तीर धनुष और मछली, और वृक्ष वगैरह है, पुष्प जो वृक्ष है जैसे अशोक का है राजकीय पुष्प जो है वो पलाश का है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमें पता होने चाहिए। तो ये हमने आज जो कवर किया वो वन्यजीव और वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार, इस तरह से ही हमारा ये वाले टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। अभी हम आगे और भी यूपी के और टॉपिक्स लेकर आएंगे, और जो भी हमारी कमी आपको नज़र आ रही हो वो प्लीज़ हमें बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, हमें ज़रूर बताइए जिससे हम आगे और जो भी वीडियोस लेकर आएँ जो तो वो और बेहतर ही तरीके से लेकर आ सकें। और अगर आपकी वो हमारी वीडियोज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए।